seven. Release the law. What we want. Justice. What we want. Justice. What we want. Justice. Termination. 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 Insaaf ke aage. Jhukna padega. Insaaf ke aage. Jhukna padega. Insaaf ke aage. Jhukna padega. What we want. Justice. What we want. Justice. What we want. Justice. Our city. Release the law. Our city. Release the law. मेरा नाम शाजिया अख्तर है और मैं एमईआई पंपोर में काम करती हूँ पिछले तीन साल से चौथा साल मेरा चल रहा है वहाँ पे तो हमने डिमांड की थी अपनी पेंडिंग सैलरीज के बारे में लेकिन उन्होंने कोई हीड नहीं किया उस पे उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया उस चीज़ के ओर तो फिर हमने गवर्नर ग्रीवेंस सेल में हमने कंप्लेंट की जो कि स्कूल वालों ने सुना तो फिर उन्होंने एक एक करके हर एक टीचर को हैरास किया गया उनको हैरास किया गया और उनको बोला गया कि आप अपोलोजाइज कीजिए वरना आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो फिर हम खाली फीमेल्स में दो ही बच गए जिन्होंने अपोलोजाइज नहीं दिया तो उस बिना पे हमें क्या किया गया उन्होंने हमारी दिसंबर सैलरी जो है विदहेल्ड रखी उन्होंने और हमें टर्मिनेट भी किया गया हमें बाई पोस्ट टर्मिनेशन लेटर सेंड की उन्होंने तो हम अब यही चाहते हैं कि जो जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया है उनको रीइंस्टेट किया जाए सेकंड कि जो हमारी पेंडिंग सैलरीज हैं वो हमें रिलीज किए जाए यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं लेकिन हमने खाली टीचर्स नहीं है मोर देन 200 टीचर्स आर देयर टीचर्स प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारा है ऑलमोस्ट 200 तक है लेकिन खाली टीचर्स ने की थी कंप्लेंट रिगार्डिंग द सैलरीज फिर उन्होंने उसको तोड़ा उन्होंने हैरास किया टीचर्स को और अलग अलग उनको किया और बहुत सारे टीचर्स डर गए और हम खाली 24 रह गए अब बस यही है कि हमें जो है सैलरी वो हमारी छोड़ दी जाए वो रिलीज की जाए और जो हमारे इनको टर्मिनेट किया गया है उनको रीइंस्टेट किया जाए बस यही हमारी डिमांड है बस पोंपोर में एक स्कूल है मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से हम वहाँ के स्टाफ हैं वहाँ के हम वहाँ पर हम काम कर रहे हैं एज ए टीचर वहाँ पर हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से हम ऐसे तकरीबन 12 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं जैसे कि मैं वहाँ पर 12 साल से काम कर रहा हूँ और जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल से तकरीबन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में और ख़ासतौर से हमारी वैली में जो कोविड का सिलसिला चल रहा था उस दौरान स्कूल बंद थे और हमने घर में बहुत सारा काम किया हमें ऑनलाइन क्लासेस देने पड़ते थे जूम क्लासेस व्हाट्सअप के जरिए से मटेरियल डालना पड़ता था बच्चों को हमें बहुत जितनी मेहनत हम स्कूल में करते थे उससे कई ज़्यादा हमने घर में की लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई सैलरी की डिमांड नहीं की थी लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुलने लगे तो उन्होंने स्कूल वालों ने पेरेंट्स से फीस की डिमांड की तो अक्सर बच्चों ने तकरीबन 80-90% बच्चों ने फी कलेक्ट किया है उन्होंने उनसे फी कलेक्ट किया है और उसके बाद जब हमने देखा कि अब कुछ फीस आ गए हैं तो हमने उनसे गुजारिश की कि हमें भी कुछ दीजिए तो हमारी सैलरी थोड़ी बहुत दीजिए इंस्टॉलमेंट्स में कुछ दीजिए तो हमारे भी बाल बच्चे घर में हैं ताकि हम उनके लिए कुछ कर सके लेकिन उन्होंने वहाँ पर जवाब में क्या किया हमें घर में बाई पोस्ट टर्मिनेशन हमें भेज दिया और हमें स्कूल से निकाल दिया आला हुकाम है तकरीबन जो सीओ पुलवामा है उस ऑफिस में भी इनका जो केस चल रहा था तो उन्होंने उनको बुलाया बहुत बार लेकिन ये वहाँ पर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वो चाहते थे जिसके इसके लिए वो उन्हें साथ नहीं लाते थे बल्कि वो कुछ अपने फेक बनाए हुए डॉक्यूमेंट बना के लाते थे और उनको दिखाते थे लेकिन उन्होंने अब इनके खिलाफ़ रिपोर्ट बनाई है अभी वो केस डायरेक्टर साहब के पास हैं अभी डीजी साहब डीसी पुलवामा के पास है इनका केस अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए आला हुकम इसमें मुदाखलत करे